आपका स्वागत है। मैं रूप किशोर राजपूत। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में। यह तहसील कोल का क्षेत्र है, थाना गांधी पार्क लगता है। इस समय मैं भदेसी के पास में हूँ, जहाँ पर ये मिट्टी का खनन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा मिट्टी का खनन काफ़ी समय से चल रहा है और लगातार ये ट्रैक्टर अभी हमें देख करके यहाँ से भाग लिए हैं। और ये काफ़ी समय से मिट्टी का खनन जोरों पर चल रहा है। ये देखिए, ये जो पानी है यहाँ भरा हुआ है, इतना गहरा ही तक खोद दिया है, यहाँ तक बालू निकल आई है। और बालू के साथ साथ भी अभी भी मिट्टी का खनन जारी है, लेकिन रोक लगा सकी है। उसके बावजूद भी यहाँ मिट्टी का खनन काफ़ी मात्रा में करा गया। खोद डाली है, ये देखें आप, इधर दिखाइए जरा। ये देखिए 40 मीटर गहरी खुदाई को, बिल्कुल अभी ट्रैक्टर यहाँ से गए हैं। ये देखिए पूरी 40 मीटर की गहराई है, यहाँ से बालू तक निकाल दी गए। और यहाँ पानी भी दिखाई दे रहा है आपको, ये पानी दिखाई देगा। ये सब शासन प्रशासन की मिली भगत से हो रहा है। यहाँ के खनन माफिया इस मिट्टी को आए दिन खोद रहे हैं और अभी भी इसमें खुदान जारी है। अब इस समय मौके पर आपको दिखा रहा तस्वीर अंदर ले जा करके। ये देखिए कितनी भयंकर खुदाई है उन्होंने कर रखी है, यहाँ पानी तक निकाल के डाल दिया है। ये भदेसी के पीछे का हिस्सा है और खनन माफिया भी इन लोगों को रास्ता बताते रहते हैं, क्योंकि खनन अधिकारी की सांठगांठ से ये सब होता है। लेखपाल की भी मिली भगत है इसमें। तहसील स्तर से इन लोगों के खिलाफ आज तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर। मैं रूप किशोर राजपूत। काट के इधर से बना दो। अब बहुत होगी, आ जाओ और बस डाल देना खाली। हाँ आ जाओ। ये पानी की बना दी धीरे धीरे। हाँ, अरे ये ढाई खिसने के डर रहते हैं। बाद यहीं से तो मर गए दो बाद ना। आवाज चली है ना, एक आवाज और बना ऊपर से और डाल देना। हाँ हाँ हाँ, कोई सही सी हो तो। हाँ उधर आ जाओ। बना दी।